खुशबू को दिखाई जाएगी। यानी रात के समय पर यहाँ पर लेजर शो के माध्यम से भक्तगण को काफी सुंदर झांकियां दिखाई जाएंगी। पंडाल का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है। गाइस अनेक इच्छा छिलो जे बार इंडिया जे पूजा देखबो दुर्गा पूजा, किंतु होलो ना। पासपोर्ट अफिस बंद, ভিসা অফিস বন্ধ, কোনো উপায় নাই। ছোটবেলায় জন্মগ্রহণ করছি ইন্ডিয়ায়, চার মাস বয়সে আসছি বাংলাদেশে, কিছুই তো ইন্ডিয়ার বিষয়ে জানি না। তো চাইছিলাম পূজায়, তোমাদের অনেকেই বলছিলাম যে এবার পূজায় যাব ইন্ডিয়ায়, কিন্তু সে আশা পূরণ হইল না। জানি না ভগবান কি চায়, কবে আশা পূরণ হবে জানি না। তো পূজা চলে আসছে গাইস ফাইনালি, আর দুই একটা দিন পরেই পূজা। তো অনেক অনেক এক্সাইটেড, আর সবাইকে জানাই শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সবাই ভালো থাকো, আর যে যেখানে থেকে দেখতেছো অবশ্যই একবার বলে যাও জয় মা দুর্গা। তো গাইস চলো আজকে দেখবো, গাইস অনেক এক্সাইটেড, অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ডিসক্রিপশন। আজকে দেখবো কলকাতায়, ঠিক আছে, দেখতে তো যাইতে তো পারতেছি না। তো জাস্ট ভিডিওতে অনেকেই সাজেস্ট করছো যে টপ ফাইভ সেরা প্যান্ডেল, পুজোর প্যান্ডেল দেখবো। আমি নিউজে দেখতে পাইছি মহালয়ার আগে থেকেই অলরেডি সেখানে ভিড় পড়ে গেছে, বিশাল লাইন, হ্যাঁ ঠেলা ঠেলি তো আছেই। তো আজকে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাবো, দেখবো এখানে বসে। নতুন হলে আমার চ্যানেলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর কোথাও তো দেখতেছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। দুর্গা মাইকি জয়, নমস্কার। চলো লেটস স্টার্ট। ওকে গাইস, অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, প্লিজ যাও ভিজিট করো ফটাফট, আর অনেক এক্সাইটেড, জয় মা দুর্গা, লেটস গো। ওয়াও, সিটি অফ জয় কলকাতা। আর এই যে ঝুলন্ত যে রেস্টুরেন্ট, আমি এটা অনেক নাম শুনছি, অনেক ফেমাস। দোস্তো জেসা কি আপ সব জানতে হ্যায় কি হামারে দেশ কা এক বহুত হি মহত্বপূর্ণ ত্যোহার দুর্গা পূজা শুরু হোনে মে কুছ হি দিন বচে হ্যায়। तो इस वक्त कोलकाता में बने पंडालों की लिस्ट थोड़ी यूनिक है, क्योंकि इस बार कई ऐसी जानी मानी दुर्गा पूजा समितियां हैं जो पहली बार काफी यूनिक थीम पर पंडाल तैयार कर रही हैं, जिसमें आपको कहीं के दुर्गा पूजा पंडाल में अमेरिका के लास वेगास का स्फेयर बिल्डिंग देखने को मिलेगा, तो कहीं पर स्विट्जरलैंड का पार्लियामेंट, कहीं के दुर्गा पूजा पंडाल में आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन होंगे, तो कहीं पर अयोध्या में राम मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल के तौर पर बनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस साल भी कोलकाता शहर दुर्गा पूजा के आगमन पर दुल्हन की तरह सजने को तैयार है। तो आइए आज के इस वीडियो में देखे पेंडले पाता दिए दुर्गा माँ के पांच सबसे बेहतरीन के बारे में देखिए कौन कौन। हमारी इस लिस्ट में नंबर पाँच पर है कॉलेज सार्वजनिक दुर्गा पूजा। इस समिति के द्वारा इस साल स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट के थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल। गाइस 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 সরি ডিস্টার্ব করার জন্য, কারণ আমি শুনেছি হচ্ছে কলকাতার মধ্যে সবথেকে বড় প্যান্ডেল, সবথেকে বড় প্রতিমা, সেটার কাজ নাকি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। কেন কেন হয়েছে এগুলো আমি জানি না, তো এটা নিউজটা রাইট নাকি ফেক নিউজ আমি জানি না। আর এটা কেন করা হয়েছে, পূজা কেন করবে না, হিন্দুস্তানে পূজা হবে না, পূজা স্থগিত হয় ভাই, এটা তো মানা যায় না ভাই। ভাই কোন দেশে বাস করো তোমরা? পান্ডাল কি সাজো সজ্জা কাফি ভব্যতা কে সাথ ডিজাইন কিয়া গয়া হ্যায় জো ইয়াহা পে আয়ে ভক্তজনো কো বড়ে পৈমানে পর আপনি ওর আকর্ষিত করেগি। ইস পান্ডাল কি উঁচাই লগভগ 20 फीट और चौड़ाई भी लगभग 120 फीट रहेगी, और इस पंडाल को बनाने की लागत लगभग 45 लाख रुपए रखी गई है। और अगर आप कोलकाता के बाहर से आ रहे हैं तो कोलाज स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल तक पहुंचने के लिए आप सियालदा रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप पैदल ही या फिर ऑटो रिक्शा। नाइस वीडियो, लोकेशन दी दिस। नंबर चार पर है श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब, श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब पंडाल। दोस्तों श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा इस साल तिरुपति बालाजी मंदिर के थीम पर पंडाल तैयार किया जा रहा है, जो कि यहां आने वाले भक्तगणों को काफी लुभाएगा। इस समिति के द्वारा इससे पहले 2020 में केदारनाथ मंदिर और 2021 में बुर्ज खलीफा जैसे थीम पर पंडाल बनाए गए थे। देखा। इस बार भी इस समिति ने काफी धूमधाम से दुर्गा पूजा पंडाल बनाने का फैसला किया है। ये दुर्गा पूजा पंडाल कोलकाता के लेक टाउन कैनाल स्ट्रीट के पास बनाया जाता है, जहाँ तक आप ऑटो बस या फिर कोई बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। नंबर तीन पर है कल्याणी आईटीआई मोड, कल्याणी आईटी नाम सुनते अनेक फेमस। दोस्तों ये समिति हर एक साल अपने यूनिक और अनोखे पंडाल बनाने के लिए जानी जाती है, और इस वर्ष कल्याणी आईटीआई मोड लुमिनस क्लब के द्वारा बैंकॉक के अरुण मंदिर के रूप को दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में जो जस्ट अ मिनट पंडाल बनाने के लिए जानी जाती है। डिफरेंस किरकम जानो, हमारे देश में होचे प्रतिमा, মা দুর্গার প্রতিমাটা হচ্ছে চোখটা এভাবে করে না, এভাবে লম্বাটে করে না, বা নর্মাল যেরকম জেনুইন মানুষ যেমন তেমনই করে। আর এটা হচ্ছে কলকাতায় বেশি আমি মানে কলকাতায় এরকমই দেখছি, আর এটার কারণ কি আমি আসলে জানি না। হ্যাঁ, মুখ্যসুখ্য মানুষ নিজের ধর্মের সম্পর্কেই জানি না, এটা লজ্জাকর আছে, সেতু লজ্জাকর।
और इस वर्ष कल्याणी ITI वर्ल्ड लुमिनस क्लब के द्वारा बैंकॉक के अरुण मंदिर के रूप को दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि रात के समय देखने में काफी भव्य तो, और विशाल आकृति लगती है। और इस बार कल्याणी ITI मोड का ये पंडाल 170 फीट से भी ऊपर रहेगा। रेलवे स्टेशन है जहाँ से आप इस पंडाल तक पैदल या फिर ऑटो से पहुँच सकते हैं। नंबर दो पर है कल्याणी रथकला दुर्गा पूजा समिति। दोस्तों, कोलकाता के ब्लॉक रथकला कंचरपारा में बनाए जाने वाले कल्याणी रथकला दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस साल वृंदावन का प्रसिद्ध प्रेम मंदिर को दुर्गा पूजा के पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि सामने से देखने पर आपको काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगने वाला है। राइट। समिति एक बहुत ही बड़े मैदान में दुर्गा पूजा आयोजित करते हैं। पूजा पंडाल के साथ साथ यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस खूबसूरत से पंडाल तक पहुंचने के लिए आप यहां का नजदीकी कॉलोनी सीमांत जाते एखने गाड़ी बदल करुन श्यालदा से लोकल ट्रेन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। और इस साल नंबर संतोष मित्रा स्क्वायर नाम सुनछि भाया। दोस्तों, कोलकाता के बाजार में बनाए जाने वाले संतोष मित्र स्क्वायर समिति ने पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर का प्रारूप बनाकर पूरे कोलकाता वासियों को काफी आकर्षित किया था, और इस साल भी इस समिति के द्वारा कुछ नई कॉन्सेप्ट पर काम करने की तैयारी। इस साल इस समिति के द्वारा USA के लास वेगास का गुंबद नुमा स्फीयर बिल्डिंग का प्रारूप पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। इसके पूरे ऊपरी गुंबद पर कई छोटे छोटे स्क्रीन लगे हैं, जिसमें कोलकाता और दुर्गा पूजा के सांस्कृतिक महत्व की झलक लोगों को दिखाई जाएगी। यानी रात के समय पर यहाँ पर लेजर शो के माध्यम से भक्तगण को काफी सुंदर झांकियां दिखाई जाएंगी। इस पंडाल का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है शोभा बाजार सुतानुति मेट्रो स्टेशन, जहाँ से आप पैदल ही इस पंडाल तक का सफर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कोलकाता के 5 सबसे बेहतरीन और शानदार दुर्गा पूजा पंडालों के बारे में बताया है, जो कि इस साल यानी 2024 में बनाए गए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अपने यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग यूआरएस के साथ। বাড়ি থেকেও যাইতে চাইছিল, বোন বাবা মনে হয় যাইতেও পারে নাও যাইতে পারে, এবার না যাবে আর কিভাবে বলো, বোকার মতো কথা। কয়দিন পরে দুর্গাপূজা, দুর্গাপূজার মাঝখানে গিয়ে তো লাভ নাই, চাইলে তো আরো আগে যাইতে হতো। তাদের পাসপোর্ট ভিসা সবই আছে, বাট আমার আর মার বিষয় ঝামেলা হয়েছে, তার জন্য আটকায় আসছি না, চলে যাইতাম, কিছু করার নাই, স্বস্তি নিঃশ্বাস ছাড়া আর কি। যাই হোক, দেখলাম ভালো লাগলো। আর তোমরা কে কে চাও আমি আমাদের দেশে দুর্গাপূজার ব্লগ মেকিং করি, তোমাদের দেখায় কে কে চাও অবশ্যই কমেন্ট করে বলে যাও, তাহলে ভিডিও বানাবো। সো আর আমার নতুন চ্যানেলে যাও, ওখানেই আপলোড করবো। বেশি মানুষ নাই ওখানে, 354 জন মানুষ আমার ফ্যামিলি মেম্বার। তুমি যদি এখন আমার ফ্যামিলি মেম্বার নাও, প্লিজ যাও, কি করছো যাও না। সো এই ভাইকে একটু সাপোর্ট করো, পূজার ব্লগ খুব শীঘ্রই আসতেছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তোমরা বললেও দেবো না বললেও দেবো। তো নমস্কার, আবারও সবাইকে জানাই দুর্গাপূজার প্রীতি ও অনেক অনেক ভালোবাসা ও অভিনন্দন। সবাই ভালো থাকো, ফ্যামিলি নিয়ে চুটায় মজা করো, ফুচকা খাও, বিরিয়ানি খাও, কোনো ডায়েট টেট করো না, যা মন চাই করো, জাস্ট 5টা দিন ব্রো, ঠিক আছে? সারা বছর অপেক্ষা করি 5টা দিনের জন্য। সো কোনো ডায়েট ফেট করো না, রুলস রেগুলেশন মারো না, যা কিন্তু লিমিটে থাকে করো, হ্যাঁ, সবাইকে সম্মান করে করো। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, নমস্কার।